हेलो फ्रेंड्स, हम तन्वी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाई हाई। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपको कोई सॉरी बोलता है तो आप उसका क्या बेस्ट रिप्लाई दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो अगर आपको कोई सॉरी बोलता है तो आप उसका क्या रिप्लाई दे सकते हैं, शॉर्ट में हो या लॉन्ग में हो, आप कैसे दे पाएंगे? पहले है नेवर माइंड। नेवर माइंड हम बोल सकते हैं, अगर आपको कोई सॉरी बोल रहा है तो आप बोल सकते हैं नेवर माइंड, मतलब कोई बात नहीं। दूसरा है नेवर माइंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। नेवर माइंड कोई बात नहीं, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड मतलब मैं पूरी तरह से समझता हूँ या समझती हूँ। और तीसरा हमारा है जो हम बोल सकते हैं, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है और थोड़ा अट्रैक्टिव भी है देखने में, इट्स ओके बट प्लीज़ डू नॉट मेक इट हैपन अगेन। इट्स ओके मतलब यह ठीक है, बट प्लीज़ डू नॉट मेक इट हैपन अगेन, दोबारा ऐसा मतलब ना हो। ठीक है, आपसे किसी ने सॉरी बोला, आपने कहा ठीक है आज जो हो गया हो गया, उसके बाद दोबारा कोई चीज़ वो रिपीट ना हो, तो आप ये सेंटेंस वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इट्स ओके बट प्लीज़ डू नॉट मेक इट हैपन अगेन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नो प्रॉब्लम। सिंपल सा है, नो प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं अगर आपको कोई सॉरी बोल रहा है। और उसके बाद है लास्ट हमारा है इट्स ओके, जो कि सिंपल है, सब लोग बोलते हैं सॉरी बोलने के बाद अगर आपको कोई रिप्लाई करना होता तो मोस्टली लोग यही यूज़ करते हैं, जो कौन सा होता है इट्स ओके। तो अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।